कल रात से जितनी भी हिंदुस्तान में घरेलू उड़ान है उन सभी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही बैन कर दिया गया था और अब कल रात से घरेलू उड़ानों पर रोक, क्योंकि वहां पर भी भीड़ के मद्देनजर और जिस तरह से हिंदुस्तान में आंकड़ा कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसके मद्देनजर बड़ा फैसला भारत सरकार का। कार्गो उड़ानों की आवाजाही सिर्फ जारी रहेगी, घरेलू उड़ानों पर पूरी तरह से रोक, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर लोग आना जाना चाहते हैं तो जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण इसको कम नहीं कर लिया जाता तब तक फिलहाल ये रोक लागू रहेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ ट्रेनों की आवाजाही पर पहले ही रोक लगा दी गई है, अब बसें भी नहीं चल रही है और सबके बीच अब घरेलू उड़ानों को देखते हुए ये बड़ा फैसला। अनुज पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, कल रात कितने बजे से घरेलू उड़ानों पर अनंत पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज के पास हम जाएंगे। अनंत, किस वक्त से ये फैसला लागू किया जाएगा और पूरी तरह से हर एक राज्य में घरेलू उड़ानों पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा कल से? बिल्कुल, देखिए कल रात को मध्य रात्रि से ये आदेश लागू होगा। कुछ देर पहले ही गृह मंत्रालय के जो अधिकारी थे, जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोजाना, उसमें ये घोषणा की गई है। घोषणा के मुताबिक कल मध्य रात्रि से सभी जो डोमेस्टिक उड़ाने हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके अलावा जो कार्गो फ्लाइट होंगी जिसमें सामान की आवाजाही होती है वो जारी रहेंगी। बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, अंतर्राष्ट्रीय विमान है, वो पहले से ही उन पर पाबंदी है और अब डोमेस्टिक फ्लाइट पे भी पाबंदी है। इससे पहले सरकार मेट्रो और ट्रेन बंद कर चुकी है लेकिन फ्लाइट्स की आवाजाही चल रही थी जिससे भी खतरा बना हुआ था, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। कई राज्यों की ओर से भी ये डिमांड की गई थी, आज ही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से डिमांड की गई थी कि दिल्ली आने वाली फ्लाइट पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से रोक दी जाए। तो तमाम राज्यों की ओर से जो डिमांड की गई और कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर फिलहाल ये फैसला कब तक लागू रहेगा? देखिए, जब तक हालत सामान्य नहीं होते तब तक ये फैसला लागू होगा, कब तक होगा इसकी सारी कभी घोषणा नहीं की गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि जो विमानें रद्द की गई हैं, सर्विसेज रद्द की गई हैं, वो कल मध्य रात से लागू होगा। कार्गो फ्लाइट्स की तादाद कम होती है, अब ये जो पैसेंजर उड़ाने होती हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, यानी कि कल पूरी तरह से अब एयरपोर्ट एक तरीके से ठप हो जाएगा, इस बात को माना जाए? बिल्कुल, कार्गो को छोड़ के बाकी और कोई ऑपरेशन नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमानन पहले से ही बंद है और अब डोमेस्टिक भी बंद हो गया, क्योंकि ये खतरा लगातार बना हुआ था कि लोग डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन पे पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा उसके मद्देनजर ये मांग उठ रही थी। आज कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी सभी राज्यों के डीजीपी और जो होम सेक्रेटरीज हैं उनके साथ, उसमें ये मुद्दा उठा था कि चूंकि ट्रेन बंद हो चुकी हैं इसलिए लोग फ्लाइट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा बना हुआ है, लिहाजा इन्हें बंद किया जाए, जिसको गृह मंत्रालय ने लागू करते हुए ये ऐलान किया। ऐसे में तो ऊहापोह की स्थिति अब से लेकर कल रात 12 बजे तक देखी जाएगी। जो लोग दूसरे दूसरे राज्यों में हैं वो अपने घर पर अगर लौटना आना चाहेंगे तो फिर उनके लिए अभी क्या विकल्प हैं? देखिए, इस पूरी कार्रवाई का मकसद ही यही है कि जो लोग जहां हैं वो वहीं रहें, आइसोलेशन में रहें। लॉकडाउन का मतलब भी यही होता है, इसलिए 75 शहरों में ये लागू किया गया। अभी कुछ देर पहले ऐलान किया गया कि 19 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये अब लॉकडाउन हो चुका है, तो लगभग पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में लोगों का आना जाना एक शहर से दूसरी जगह संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर बहुत बड़ा फैसला, कल रात 12 बजे से घरेलू उड़ानों पर पूरी तरह से पाबंदी, सिर्फ कार्गो फ्लाइट ही टेक ऑफ या फिर लैंड कर पाएंगे।